देखो, दुनिया का सबसे बड़ा सच तो यह है कि कोई आपकी वैल्यू तभी करेगा जब आपके पास पैसा होगा, जब आपका नाम होगा, और एक इंसान का नाम उसके काम से होता है। इसलिए काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। और ज़िंदगी में सफल होने के लिए ज़्यादा नहीं, बस एक ही मकसद, एक ही मोटिवेशन काफ़ी है। और आज मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन देने वाला हूँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और वो है आपके हालात, आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली की सिचुएशन। ये चीज़ें जो आपसे करवा सकती है ना, दुनिया की कोई पावर, दुनिया की कोई शक्ति आपसे करवा नहीं सकती। आपके जो पेरेंट्स हैं वो खून पसीना बहाकर काम करते हैं, और वो भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, जिसमें आप सिर्फ सर्वाइव ही कर पा रहे हो। वो कमाने के लिए सुबह से शाम और शाम से रात तक क्या कुछ नहीं करते। कभी कभी उनका भी मन करता होगा कि छोड़ दो, कभी कभी मन नहीं करता होगा काम करने का, माइंड थक जाता होगा, कई लोगों की बातें सुननी पड़ती होंगी, दिमाग, शरीर, आंखें थक जाती होंगी, पूरी बॉडी थक जाती होगी, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि हालात जो उनसे करवा रहे हैं। अरे जब लोहे का काम करके कोई टाटा और कोई जूते का काम करके बाटा बन सकता है, तो फिर हम निठल्ले क्यों बैठे हैं, क्यों किस्मत का रोना रो रहे हैं? देखो, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता है, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। अगर आपने भी कोई सपना देखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं देखा है तो आज ही देख लो, अभी देख लो, और जान लगा दो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। अपने सपनों को हकीकत में बदलना अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य बना लो, और सारा वक्त लगा दो अपना वक्त बनाने में। साल के शुरुआत में बहुत जोश था तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने का, और आज की डेट में देखा जाए तो 6 महीने आसानी से निकल गए, और अभी तक तुम्हारे अंदर कोई खास परिवर्तन नहीं आया। और अगर ऐसी ही हालत रही तो साल ख़त्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा दोस्त। देखो, नए साल आने में अभी भी लगभग 5 से 6 महीने बाकी हैं, और इन्हीं 5 से 6 महीनों में आप चाहो तो ज़मीन से उठकर आसमान की बुलंदियों को छू सकते हो। आप सुबह कितने बजे उठते हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप जब भी उठते हो, आपकी जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरी काम हैं, वो करने के बाद आप एक कमरे में बंद हो जाओ, गायब हो जाओ 5 से 6 महीनों के लिए, और नए साल में ऐसा चकमा दो कि जो भी आपसे मिले वो आपको देखकर दंग रह जाए। याद रखना, आज ताना मारने वाले लोग आपके सफल हो जाने के बाद आपको शाबाशी भी देंगे, और वही लोग आपसे कहेंगे कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तू कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा ज़रूर करेगा। विराट कोहली ने कहा था, आप अपने लाइफ में जहाँ भी हो, जिस भी लेवल पर हो, सिर्फ आप अपने ऊपर भरोसा रखना, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। सफलता तक पहुँचने का रास्ता आसान नहीं होगा, इस रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी जो आपको रास्ता रोकना चाहेंगी, लेकिन आप रुकना मत, बस चलते जाना। अरे कब तक जिल्लत की ज़िंदगी जियोगे, आज से बहाने बनाना बंद करो। बार बार गिरने के बाद भी सफल हो जाने की लत लत लग जाने दो। जो इंसान वक्त पर पसीना नहीं बहाता वो बाद में आंसू बहाता है, और उस समय उस आंसू का कोई कदर नहीं है। अरे बनना ही है तो ऐसा बनो कि तुम्हारे एक आंसू से पूरी दुनिया रोए। तुम अकेले नहीं हो जो दिन रात सफलता पाने के लिए मेहनत कर रहे हो। तुम अकेले नहीं हो जिसे बार बार नहीं बल्कि कई बार असफलताओं की ठोकर लगी हो। तुम अकेले नहीं हो जो ये सोचता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। देखो, रेस में हिस्सा लेने वाला हर इंसान दौड़ता है, हर इंसान अपनी पूरी ताकत लगाकर जीतना चाहता है, लेकिन जीत सिर्फ किसी एक की होती है, क्योंकि जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा ज़मीन पर दोस्त, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। अगर लाइफ में तुम्हें टॉप करना है तो कुछ दिन अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट दो, और सिर्फ अपने गोल, अपने लक्ष्य पर फोकस करो। नो डाउट जब तुम ऐसा करोगे तो हो सकता है नहीं ऐसा होगा कि लोग तुम्हें पागल कहने लगेंगे। पागल कहकर बुलाएंगे तो तुम उसी क्षण समझ जाना कि तुमने सफलता के लिए अपना पहला कदम बढ़ा लिया है, और अपने उसी पागलपन पर विश्वास रखना। एक दिन यही पागलपन तुम्हें सफलता की उस शिखर तक ले जाएगा जहाँ तक जाने की तुम कल्पना भी नहीं किए होंगे।